बीइंग वेरी गुड फ्रेंड्स टू दिस पॉइंट जहाँ पर मैं उससे ऑलमोस्ट नफरत करती हूँ. मैं बहुत हर्ट हूँ एक्चुअली. ये नफरत नहीं है मेरी साइड से, मेरा दिल बहुत दुखा है उसने. ऐसी सिचुएशंस हुई हैं उसके, उसकी फैमिली की वजह से मेरी फैमिली के ऊपर असर पड़ा है इस चक्कर में. तो आई थिंक अभी मैं उसको, ऑफकोर्स मैं अभी उसको याद नहीं कर रही हूँ. अभी मुझे सिर्फ अपनी बहन की परवाह है बस. वो बोलते हैं ना, वो फंस गई है एक ऐसे घर में जहाँ पर उसका पति है, उसका देवर है, जिसके ऊपर, जिसकी वजह से उसको पता है उसकी फैमिली ट्रबल में है. तो उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये सब, और उसको सॉल्व कैसे करें. मतलब मैं बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं कि मैं इन सब चीज़ों को सॉल्व करूँ तो करूँ कैसे, पता नहीं. इसीलिए बस मैं अम्बे माँ से देविका प्रार्थना करी कि चाहे कुछ भी करके सिर्फ वही निकाल सकती है मुझे झमेले से, तो निकाल दें. तो लेट्स सी कि अम्बे माँ कब क्या करती हैं, कैसे मुझे बचाती है, कैसे साक्षी को बचाती है इस पूरी प्रॉब्लम से. हाँ, एक्चुअली वो देख रहा है कि उसकी वजह से मैं कितनी तकलीफ में हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो ये सब देख रहा है और उसको भी बुरा लग रहा है. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसको बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा. मुझे बस इतना पता है कि मेरी बहन को बुरा लगा है. मैं, मुझे सिर्फ उससे ही मतलब है कि मेरी फैमिली बहुत ट्रबल में है. और मुझे इतना पता है कि ये फैमिली ट्रबल में नहीं है, इस फैमिली को कोई असर नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो पूरे सीक्वेंस में, पूरे एपिसोड में, आई थिंक अभी क्योंकि वो चल रहा है, मेरी बहन के साथ कुछ हो गया है, वो टूट गई है, मेरी चाची टूट गई है. तो आई थिंक मैं अभी उसके अलावा और किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही हूँ. मेरे लिए सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है.